तो सब विभव बिंदुओं को देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ए है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, कुछ नाम देना पड़ेगा। तो मान लिया यहाँ पे ये तो ऑलरेडी लिखा ही है, यहाँ पे हम लोग कोई नाम दूसरा दे रहे हैं पी, ठीक है, यहाँ पे दे दिया क्यू, यहाँ पे दे दिया आर, या आर को हम यहाँ लिख लेते हैं आर, ठीक है, पी की बात। तीन बिंदुओं को हम ध्यान से देखें, ये तीन बिंदुओं की स्थिति एक जैसी है, देख लो, इसके पहले एक रेजिस्टेंस और इसके आगे दो रेजिस्टेंस ऐसे, उसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ देखो ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ दो रेजिस्टेंस, ऐसे इसको जब आगे बढ़ोगे आर पर तो दो रेजिस्टेंस यहाँ भी, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने ए को बना लिया, अब इसके बाद ए से तीनों रेजिस्टेंस को दिखाया, और यहाँ देखो यहीं पर पी भी है, क्यू भी है, और तो अब ए और आर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ना, तो देखो ए और आर के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर ए और क्यू के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये आर, हमने इस रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है, फिर ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वह भी हमने इसको जोड़ दिया। फिर देखो अब हम इधर आते हैं और यहाँ हम बनाते हैं पॉइंट बी, ये है पॉइंट, पॉइंट बी के बाद अगर देखो एल एम, ठीक है, एन, इन तीनों पॉइंट्स को अगर ध्यान से आप देखोगे तो फिर वही कंडीशन बनता है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो से, फिर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट ए भी होगा। तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं अब ये हमें समझना होगा, ये कौन कौन से पॉइंट हैं, ये है एल एम और एन, अब एन और बी के बीच में, एन और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है, देखा आपने, उसके बाद एल और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एल और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद एम और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी हमने जोड़ दिया, ये सब कंप्लीट हो गया।